फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन में बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए कन्वर्जन की, जिसमें एल्गोरिथम की बात करेंगे मैकनॉटन यामादा थॉम्पसन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम के थ्रू कैसे हम किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली एनएफए में कन्वर्ट कर लेंगे बहुत ही सिंप्लीफाई वे में, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने रेगुलर लैंग्वेज में बात किया था, रेगुलर लैंग्वेज में आपका क्या क्या हो सकता था, रिवाइंड कीजिएगा आप। रेगुलर लैंग्वेज नल है, नल भी आपका रेगुलर लैंग्वेज हो सकता है। अगर कोई सिंबल ए है तो रेगुलर सिंबल में ए भी आपका क्या हो सकता है, रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, रेगुलर लैंग्वेज हो सकता है। और अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है कोई आर और एस, तो उसका भी, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। आर डॉट एस को भी हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और अगर आर स्टार है तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो इसी जो रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी है, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये चीज प्रॉपर्टी, अगर मुझे एनएफए क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहला हम देखते हैं, अगर आपका इनपुट सिंबल नल है तो इसके लिए एनएफए क्या क्रिएट होगा, एनएफए होगा एक आपका कोई इनिशियल स्टेट होगा, एक आपका कोई फाइनल स्टेट होगा, और यहां से यहां ट्रांजिशन होगा, सिंपली क्या नल का ट्रांजिशन होगा, और एक क्या हो जाएगा आपका एनएफए क्रिएट हो जाएगा, किसके लिए, नल सिंबल के लिए। अगर हम सेकेंड बात करें तो सेकेंड अगर कोई सिंबल ए है या कोई भी सिंबल हो, उस सिंबल के लिए क्या होगा, एनएफए कैसे बने आपका, कोई इनिशियल होगा, कोई यहां पे फाइनल होगा, और यहां से यहां ट्रांजिशन हम क्या करेंगे ए का, और क्या हो जाएगा ए भी एनएफए बन जाएगा, किसके लिए, सिंपली सिंबल ए के लिए। हम अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी की, अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन में ए भी क्या है आपका, ए भी एक एनएफए रेगुलर एक्सप्रेशन का है, ए भी एनएफए रेगुलर एक्सप्रेशन का है, अगर दो अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसके केस में हम कैसे करेंगे। अब सब कुछ कीजिएगा, समझिएगा यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी को, अगर कोई सिंबल ए है और कोई सिंबल बी है तो इन दोनों का रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग क्या हो सकता है, एक इनिशियल एक फाइनल, यहां से यहां क्या गया ए सिंबल और ए आपका फाइनल है, ए आपका क्या हो सकता है, एक एनएफए हो सकता है, किसके लिए, सिंबल ए के लिए। सिंबल बी के लिए क्या हो सकता है, सिंबल बी के लिए आपका ए हो सकता है एनएफए। तो यही बोल रहा है कि अगर दो अलग अलग रेगुलर, सपोज कीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपका, एक आपका क्या है आर एस है, ये आपका कोई, इसको मान लेते हैं हम ए रेगुलर एक्सप्रेशन आर, इसको हम मान लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन एस। अगर इसके लिए आपका ये मशीन है तो यहां पे तीन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी इसको आप समझिएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा है, अगर आर और एस के लिए कैसे बनाएंगे, मतलब दो अलग अलग एनएफए बनेंगे, पहले इसका एनएफए होगा, इसका एनएफए होगा, और उसको हम फिर एक साथ कंबाइन करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो पहले हम आर एस के लिए हम एक मशीन बना लेते हैं, मैंने एक मशीन बना लिया एनएफए एन आर, इसका क्या होगा, कोई इनिशियल होगा, इसका कोई फाइनल होगा, एक मशीन बन गया यहाँ पे। इसी तरह से आर के लिए क्या होगा, एस के लिए क्या हो जाएगा, कोई एन एस, कोई एन एस जो एनएफए मशीन बना हुआ है, इसका कोई इनिशियल होगा, इसका कोई फाइनल होगा, इसको भी हम क्या कर लिए, दो मशीन अलग अलग बन गया दो एक्सप्रेशन के लिए। अब इन दोनों को कंबाइन करना है तो कैसे होगा, इसका इनिशियल से और इसके इनिशियल से एक स्टेट यहाँ पे आएगा, कोई भी एक स्टेट नल मूव के साथ हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, एक यहाँ भी ऐड होगा यहां से नल के साथ, और यहां से नल के साथ किसी एक स्टेट पे हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से हो जाएगा इनिशियल और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। तो इसका एनएफए डायग्राम बना सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट केस होता है, अगर आपका आर स्टार दिया है, आर स्टार दिया है तो कैसे करेंगे हम, सपोज थर्ड दिया हुआ है केस आर स्टार, आर स्टार के केस का मतलब क्या है कि एक तो पहले आर का, जो आर होगा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, पहले उसका आपको एनएफए बनाना पड़ेगा। तो आर का एनएफए हम कैसे बना लिए, एक स्टार है एक फाइनल है, और यहां पर कोई क्या है एनएफए है, किसके लिए, आर के लिए, और इसका क्या है, एक मशीन है। अगर इसी का मुझे लेना है स्टार, तो कैसे हो जाएगा, इसका स्टार कैसे होगा, एक यहां से यहां आपका आ जाएगा नल, यहां से यहां आ जाएगा नल, एक कोई स्टेट यहां पे हो जाएगा, एक कोई स्टेट यहां पे हो जाएगा, यहां से यहां एक नल मूव हम इस पे कर लेंगे, फाइनल टू इनिशियल, इस मशीन के जो एनएफए होगा इसमें, और यहां से जो इनिशियल बना यहां से एक नल हम मूवमेंट कर देंगे यहां पे, और ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनल। तो इस तरीके से हम आर स्टार के लिए बना सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आर डॉट एस लिखा है, तो
अगर इस तरीके से किया हुआ है R, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है R डॉट S, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का डॉट ले रहा है तो कैसे होगा इसका? अगेन दो मशीन होंगे, दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे कैसे? कोई आपका NFA होगा R, मीन्स इसका कोई स्टार्ट होगा, इसका कोई फाइनल होगा। एक आपका S होगा जो कि जिसका कोई स्टार्ट होगा, उसका कोई इनिशियल होगा। तो हम यहां पे डॉट लगा है तो कैसे करेंगे? जो S का S मशीन होगा, NFA मशीन S होगा, इसका इनिशियल हम इसके फाइनल को बना देंगे और एक फाइनल स्टेट हम यहां पे ऐड कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? और यही आपका हो जाएगा और इसको हम बना देंगे, और इसको हम बना देंगे क्या? इनिशियल। अब फाइनल आपका ए न रह के टोटल मशीन का फाइनल कौन सा हो जाएगा? फाइनल आपका ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, किसी भी अगर दो दो इस तरह से दिया हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन तो उसका हम NFA डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल एक ड्रा करते हैं जो कि आपको हेल्प हो, इजीली समझ में आ जाए कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन टू से NFA का कन्वर्जन करेंगे डायरेक्टली इस एल्गोरिथम से। तो सपोज हम रेगुलर एक्सप्रेशन ले रहे हैं आर ई इक्वल टू ए आर बी स्टार ए बी बी, यही हम एग्जाम्पल ले लिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो ऐसे दे सकता है क्वेश्चन या ऐसे कर सकता है, ए प्लस बी स्टार ए बी बी। तो यहाँ पे जो प्लस का मतलब है, प्लस इसी डिनोट करता है आर के लिए और कोई अलग सा नहीं है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्लस लिखा है तो भी हम वही काम करेंगे जो अभी हम ए आर, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर हम यहां देखें तो एक ए है बी है, ए बी है, तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले हम ए का बना लेते हैं। अगर हम ए का बनाए केवल, तो ए का क्या होगा? एक इनिशियल होगा, एक यहां पे फाइनल होगा, कोई एक इनिशियल एक फाइनल होगा, यहां से यहां मूव हो गया किसका? ए का। जैसे ही अब बी का बना लीजिए, इसी तरह हम बी का बना लेंगे, ए इनिशियल है, ए इसका फाइनल होगा, यहां से यहां क्या हो गया? बी का। ठीक है, अब क्या कर रहा है? दोनों को और लेने का मतलब क्या है कि यहां से यहां एक नल मूव के साथ है, एक स्टेट यहां बनेगा, यहां से एक नल मूव होगा, यहां से एक नल मूव होगा, यहां पे एक स्टेट बनेगा। अब फाइनल आपका चेंज हो जाएगा, फाइनल कौन बन जाएगा? फाइनल हो जाएगा ए। इसका बन गया सिंपली ए स्टार बी का, ए क्या रहेगा? आपका इनिशियल रहेगा। अब क्या बोल रहा है? इन सब का स्टार, तो हम देखें तो यहां से क्या बन गया? एक मशीन डिजाइन हो गया है। इसका स्टार लेने का मतलब क्या है कि एक हम नल मूव से एक स्टेट यहां बढ़ा लेंगे, एक नल मूव से हम एक स्टेट यहां बना लेंगे, ये एरो इस टाइप में है। ठीक है, और जो पहले मशीन था, जो स्टार्टिंग मशीन था, वो यहीं तक था, मीन्स विदाउट स्टार का। तो इसका जो फाइनल था, इस फाइनल यहां से हम एक नल मूव कर लेंगे यहां पे, और यहां से अब जो नया इनिशियल बना यहां से, और जो नया फाइनल बना ये क्या बनेगा? फाइनल। यहां से फाइनल हट जाएगा और क्या बन जाएगा? आपका नल मूव यहां पे आ जाएगा। तो टोटल किसका बन गया? ए आर बी स्टार का डायग्राम बन गया। अगर इसी को हम देखें, अब इसमें क्या हो रहा है? यहां पे डॉट हिडन है। अगर डॉट नहीं लगा तो इसका मतलब यहां पे क्या है? सब में डॉट हिडन है। अब डॉट हिडन है तो यहां से क्या आ रहा है? ए सिंबल आ रहा है, ए सिंबल आ रहा है। तो सिंपली एक मशीन ए होगा, ए टोटल मशीन एक हो गया, किसके लिए? यहां से यहां तक के लिए। अब ए का DFA देखें तो ए का DFA जैसे अभी मैंने बताया R.S के लिए, तो वहां से लाके सिंपली कंबाइन करेंगे और फाइनल चेंज होता जाएगा। अब यहां से यहां आ जाएगा आपका A और A फाइनल अब हो जाएगा A। ठीक है स्टेट। अब B आया, सिंबल B आया, तो B हम यहां पे ऐड कर लेंगे, यहां से हो जाएगा B और एक नई स्टेट मिल जाएगी। ऐसे ही फिर से B आएगा तो यहां पे एक नई स्टेट आ जाएगी और लास्ट का स्टेट क्या हो जाएगा? फाइनल, और ये आपका हो जाएगा इनिशियल। अब इसका नंबरिंग हम कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपका क्या बन गया? NFA बन गया। टोटल किसके लिए? इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपका कंप्लीट NFA है। अब हम बात करेंगे आगे इसी का कि सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से हम इसी NFA को कैसे हम DFA में डायरेक्टली DFA में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका हम देखते हैं। एक आपका क्या दे दिया? ये आपका NFA दे दिया। इसी NFA का मुझे क्या करना है? DFA बनाना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम करेंगे एक चार्ट बना लेंगे। एक चलिए हम चार्ट बना लेते हैं यहां पे। ये हो जाएगा DFA स्टेट,
हो जाएगा इनपुट सिंबल क्या यूज हुआ, ए और इनपुट सिंबल बी। तो यहां पे जो भी हम डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे वो डीएफए की स्टेट जो बनाए बनेंगे वो हम यहां लिखेंगे, और डीएफए की स्टेट कैसे बन रहे हैं, किस किस के एनएफए स्टेट को कंबाइन करके वो हम यहां लिखेंगे, और जो डीएफए स्टेट होगा वो डीएफए का स्टेट से किसी स्टेट से इनपुट सिंबल के साथ कहां पर ट्रांजिशन हो रहा है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुझे कैलकुलेट करना होता है, सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है नल क्लोजर, नल क्लोजर जीरो, नल या आप साइलेंट भी कर सकते हैं, आप साइलेंट क्लोजर जीरो। क्यों जीरो ले रहे हैं, क्योंकि जीरो आपका क्या है, यहां पे जीरो इनिशियल स्टेट है हम, इसलिए इनिशियल ले रहे हैं। इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल मतलब कि जीरो से नल सिंबल के साथ हम कहां कहां किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं। तो जीरो से नल स्टेट के साथ एक तो जीरो होगा ही आपका, जीरो होगा ही होगा आपका। जीरो से और कहां पहुंच रहे हैं, जीरो से हम एक वन पे पहुंच रहे हैं, तो वन ही हम ले लेंगे यहां पे, और टू फोर क्योंकि यहां भी नल है तो यहां से यहां टू पे पहुंच सकते हैं, फोर भी पहुंच सकते हैं, तो टू फोर भी आ जाएगा, टू फोर भी हो जाएगा। और कहीं पहुंच रहे हैं नल, यहां से नल, और हम क्यू जीरो से कहां पहुंच रहे हैं, सेवन पे, और कहीं पे पहुंच सकते हैं हम। अब हम कहीं पे क्यू यहां पे जीरो से जो जीरो स्टेट है, जीरो स्टेट में नल मूव के साथ और किसी स्टेट पे हम नहीं पहुंचे। नल मूव मतलब कि हम नल के साथ बढ़ते जाएंगे, बीच में कोई इनपुट सिंबल नहीं आना चाहिए। जैसे यहां से हम जीरो से वन पे नल के साथ आ गए, वन से अगेन टू पे आ गए, तो हम कह सकते हैं जीरो से टू पे कहां पहुंच गए, जीरो नल के साथ पहुंच गए, कोई बीच में इनपुट सिंबल नहीं आया, क्योंकि इनपुट सिंबल सिग्मा यहां पे क्या होगा, केवल केवल जीरो और केवल केवल ए और बी यहाँ पे इनपुट सिंबल हो रहे हैं। कभी भी आपका जो नल होता है, नल इस सिग्मा का पार्ट नहीं होता, नल इस अल्फाबेट सेट में नहीं आता। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक नया सेट मिला आपको, कौन, जीरो वन टू फोर सेवन, इसको हम ले लेंगे नाम ए, और इसी नाम का आप क्या हो जाएगा डीएफए स्टेट, मीन्स कौन कौन स्टेट आया, जीरो वन टू फोर सेवन, इसको मैंने नाम दे दिया डीएफए का स्टेट ए। अब यहां से अगर हम मूव देखें तो ए से इस एस डीएफए का स्टेट जो होगा, ए से ए सिंबल के साथ मूव कहां करेगा उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन हम करते हैं डी ट्रांजिशन सन किसके साथ, ए, और सिंबल कौन सा ले रहा है, ए स्मॉल ए, मींस इस ए के साथ एक ए स्टेट से ए सिंबल के साथ कहां पे पहुंचेगा। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे डी ट्रांजिशन ए बी, मीन्स इस स्टेट से बी सिंबल के साथ कहां पहुंचेगा। तो जिसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, होता है क्या है फार्मूला आपका, नल क्लोजर मूव, नल क्लोजर मूव ए ए, इस तरह से इसका हो जाएगा नल क्लोजर मूव बी, नल क्लोजर मूव ए बी। तो अब इसका कैलकुलेट करना है, अब देखिए यहां पे कैसे कैलकुलेट होगा। पहले मुझे कैलकुलेट करना है मूव ए बी, मूव ए बी मतलब ए जो है किस एक सेट किसका है, इसी एनएफए स्टेट का सेट है। तो यहां पे बोल रहा है कि इस सेट से यहां से किस किस स्टेट से ए का ट्रांजिशन हो रहा है और किस स्टेट पे पहुंच रहा है। अगर हम देखें जीरो से, क्या जीरो से ए का इसी स्टेट में देखेंगे, ए के लिए जीरो से ए का ट्रांजिशन हो रहा है, जीरो से ए का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। वन से ए का ट्रांजिशन हो रहा है, वन से भी ए का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। टू से ए का ट्रांजिशन हो रहा है, टू से ए का ट्रांजिशन हो रहा है और कहां पहुंच रहा है, थ्री पे। तो हम यहां पर लिखेंगे नल क्लोजर, एक तो मुझे थ्री मिल गया। फोर से, फोर से ए का ट्रांजिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेवन से ए का ट्रांजिशन हो रहा है, सेवन से ए का ट्रांजिशन हो रहा है और कहां पहुंच रहा है, एट पे। तो यहां पे हम लिख देंगे थ्री और एट। अब इसी का मुझे निकालना होगा नल क्लोजर, नल क्लोजर कैसे निकलेगा यहां पे, जो नल क्लोजर है, नल क्लोजर मीन्स पहले हम देखेंगे थ्री से, क्या थ्री से, क्योंकि थ्री एट दो सिंबल आया, थ्री से नल के साथ हम कहां कहां पहुंच सकते हैं। तो थ्री से नल के साथ मीन्स थ्री तो होगा ही होगा, सिक्स पहुंच सकते हैं, सिक्स से वन पहुंच सकते हैं, टू पहुंच सकते हैं, फोर पहुंच सकते हैं और सेवन पहुंच सकते हैं यहां पे। तो थ्री सिक्स आ जाएगा आपका, थ्री सिक्स वन टू फोर, वन टू फोर और
7। लेकिन यहाँ पे एक सिंबल और है 8 से। 8 से हम नल के साथ कहीं पहुंच रहे हैं, 8 से नल के साथ कहीं नहीं हो रहा, लेकिन 8 अपने आप में क्या है, सेल्फ है, तो A का ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8 भी। अब अगर मैच करें तो जो ये सेट मिला, क्या ऐसा प्रीवियस में सेट मिला था? प्रीवियस में सेट नहीं मिला था, प्रीवियस जो मिला था 0, 1, 2, 4, 7 मिला है। तो इसको हम नया नाम दे देंगे क्या, कैपिटल बी, और यहां पे दे देंगे कैपिटल बी, और यहां पे जो स्टेट बनेगा आपका इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिस ऑर्डर में वहां पे 3, 6 है वैसे भी हम लिख सकते हैं, इसको मैंने ऑर्डरिंग कर दिया ताकि मुझे रीडेबल हो, इजिली हम कर लें। तो ये आपका सेट हो गया कौन सा, बी, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ये आपका हो गया बी। अब कैलकुलेट कीजिए ए से बी सिंबल का साथ, इस ए से बी का ट्रांजिशन कहां हो रहा है, इस ए से मतलब इस टोटल से किसमें से बी का ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से बी का ट्रांजिशन हो रहा है, 0 से बी का ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, 1 से भी नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, किस पे पहुंच रहा है, 5 पे, एक तो 5 आएगा वहां पे, और 7 से भी नहीं हो रहा है, तो केवल किससे हो रहा है, ये आपका क्लोजर आ सकता है, नल क्लोजर मूव ए बी में क्या क्या आ गया, 5 के साथ हम 5 से नल सिंबल के साथ कहां कहां पहुंच सकते हैं, 5 मींस यहां पे है, 5 से नल के साथ एक तो 5 खुद होगा, 6 भी पहुंच रहे हैं, 5, 6, 7 भी पहुंच जाएंगे, तो 5, 6, 7 आ जाएगा, 5, 6, 7 आ जाएगा, और क्या हो सकता है, जब 6 पे पहुंचेंगे तो 1 पे भी आ सकते हैं, 2 और 4 पे आ सकते हैं, तो 1, 2, 4 भी आ जाएगा, 1, 2, 4 भी आ जाएगा। इसके अलावा 5 से कहीं जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। अब प्रीवियस से मैच करेंगे, क्या प्रीवियस में सेम सेट मिला था, सेम सेट नहीं मिला है, डिफरेंट सेट है, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे नया, क्या नाम दे देंगे, सी, और यहां दिखा देंगे सी ट्रांजिशन। तो एक नया सेट मुझे मिल गया 5, 6, 7, 1, 2, 4, और यहां से मिला सी, सी ट्रांजिशन हो गया। अब देखिए, अब एक जैसे ही इतना कंप्लीट हुआ, एक नया सेट आपका तैयार है यहां पे बी। अब हम सेम प्रोसेस से कैलकुलेट क्या करेंगे, डी ट्रांजिशन बी ए, और इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे डी ट्रांजिशन बी बी, कैसे निकल जाएगा, एक हम और कैलकुलेट कर दे रहे हैं इसको, बाकी आप फर्दर इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, जब भी नई स्टेट जनरेट होनी बंद हो जाए वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो डी ट्रांजिशन बी ए, तो हम कैसे निकालेंगे, नल क्लोजर मूव बी ए, निकालिए बी ए, बी मीन्स यहां पे जो सेट मिला, इसमें से ए का ट्रांजिशन कहां कहां हो रहा है, क्योंकि ए के लिए देख रहे हैं हम, तो ए का ट्रांजिशन किससे हो रहा है, ए से ट्रांजिशन 1 से हो रहा है, ए का नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, किस पे पहुंच रहा है, 3 पे, तो एक तो 3 आएगा यहां पे, ठीक है, यहां पे नल क्लोजर एक तो 3 आएगा, ये ध्यान दीजिए मैं मूव कैलकुलेट कर रहा हूं, मूव बी ए कैलकुलेट कर रहा हूं, एक तो 2 से हो रहा है, कहां पहुंच रहा है, 3 पे, और कहीं से ए का ट्रांजिशन हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है, और 8 से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है, तो कहां पहुंच रहा है, 8 पे, तो यहां पे आ जाएगा 8। अब हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखिए यहां पे नल क्लोजर तो 3, 8 है, ऑलरेडी हम यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब यहां पे भी जो रिजल्ट आएगा यही सेट आएगा, जब यही सेट आएगा तो स्टेट कौन सा होगा, बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी। अब इजीली कैलकुलेट किया यहां से बी का बी ट्रांजिशन, नल क्लोजर मूव बी बी, क्या हो जाएगा, बी से मीन्स इससे बी का ट्रांजिशन, 1 से बी का ट्रांजिशन हो रहा नहीं, 2 से हो रहा है नहीं, 3 से हो रहा है नहीं, 4 से हो रहा है, कहां पहुंच रहा है, 5 पे, ठीक है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से हो रहा है, कहां पहुंच रहा है, 9, तो 5 और 9 दो आएंगे यहां पे, नल क्लोजर 5 और 9। अब 5, 9 क्या है, 5, 9 पहले में कहीं नहीं आया, मतलब नई सेट जनरेट होगी यहां पे, तो 5 से देख लीजिए, 5 से कहां कहां पहुंच सकते हैं, 5 से हम यहां पे 5 का कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 5 से एक तो स्टेट ही आएगा 5, 6, 7, 1, 2, 4। 9 से देख लेंगे, 9 से कहीं जा रहा, 9 से कहीं भी नहीं, तो 9 केवल सेल्फ आएगा, यहां पे 9 हो जाएगा। अगर हम देखें तो प्रीवियस में सेट नहीं आया हुआ है, मतलब एक यहां पे इसका नया नाम दे देंगे डी,
यहाँ से ट्रांजिशन हो जाएगा डी का, और आपका सेट कौन सा मिल गया 5, 6, 7, 1, 2, 4, 9 एक आपका बन गया डी सेट। इसी तरीके से अगर हम सी और डी के लिए कैलकुलेट करें तो फर्दर क्या बन जाएगा स्टेट, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसी मेथड से, हम रिजल्टेंट टोटल लिख रहे हैं। तो अगर हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो डी के लिए भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, डी का बी ए के साथ ट्रांजिशन बी स्टेट पे होगा, एक यहाँ पे नई स्टेट ई आएगी जनरेट होगी जब आप सॉल्व करेंगे, फिर ई से बी और सी। अब इसके बाद कोई भी अगर देखें तो यहाँ पे कोई नई स्टेट जनरेट नहीं हुई है, तो अब यहीं पे हम स्टॉप कर जाएंगे, यही आपका क्या होगा डीएफए स्टेट। अब डीएफए स्टेट यहां से हो जाएगा तो डीएफए डायग्राम आप इजिली बना सकते हैं। डीएफए डायग्राम कैसे हो जाएगा, डीएफए डायग्राम अगर हम देखें तो डीएफए डायग्राम कैसे बन जाएगा आपका, टोटल डीएफए के कितने स्टेट आए, डीएफए में 5 स्टेट हैं ए बी सी डी और ये मैंने ले लिया ए, ये 5 स्टेट हैं। इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए इनिशियल कौन सा है, यहां पे इनिशियल आपका 0 है और 0 किसके साथ है ए के साथ, तो ये आपका इनिशियल होगा। फाइनल कौन से है, फाइनल यहां पे 10 है, 10 किसके साथ आया, केवल केवल एक जगह आया ई में, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल स्टेट हो जाएगा। ट्रांजिशन ए से सिंबल ए के साथ, ए से सिंबल ए के साथ ट्रांजिशन क्या हो रहा है बी पे, ए से सिंबल बी के साथ किस पे ट्रांजिशन हो रहा है सी पे, बी से ए के साथ सेल्फ लूप लग रहा है, बी से बी के साथ किस पे जा रहा है डी पे, एंड सी से एक तो बी पे आ रहा है आपका ए, एंड सी से बी पे सी सेल्फ लूप लग रहा है किसके साथ बी का, एंड डी से ए पे बी, डी से अगर जो आ रहा है डी से ए सिंबल के साथ बी पे आ रहा है, डी से ए सिंबल के साथ किस पे आ रहा है बी पे, और डी से बी सिंबल के साथ किस पे जा रहा है ई पे, ई से ए सिंबल के साथ बी पे, ए सिंबल के साथ बी पे, और ई से बी सिंबल के साथ सी पे, तो यहां से यहां आ जा रहा है सी सिंबल बी सिंबल के साथ सी पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा डीएफए डायग्राम। अगर यहां पे देखें तो आपका ये डीएफए डायग्राम बन चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम इजिली एक तो एनएफए कैलकुलेट कर लेंगे एनएफए विद एप्सिलॉन मूव, और उससे सबसेट कंस्ट्रक्शन से डायरेक्ट सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से हम डायरेक्टली क्या कन्वर्ट कर लेंगे आपका डीएफए कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।